रहते कि बारिश हो बारिश हो बारिश हो, भगवान ने कुदरत ने ऐसी बरसात की कि पिछले एक हफ्ते से सिर्फ बारिश ही बारिश, लेकिन इंसान हो रहा है परेशान, क्या करे। हमारा ये जो शहर है इलाहाबाद स्मार्ट सिटी हो चुका है, लेकिन शहर की जो रोडें हैं वो ऐसे समय पे हर साल बनाई जाती हैं जब बारिश होती है, और बारिश होती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कीचड़ भी इंसान को कितना परेशान कर सकता है। कार से चलने पर हमारी ये स्थिति है कि हमें गाड़ियां मोड़नी पड़ जा रही हैं क्योंकि आगे की रोड इतनी खराब है, जिसको कई बार प्रशासन से कहा भी गया कि ये जो गड्ढे हैं इनको किसी भी तरीके से सर बनवा दिया जाए। सुनने में ये आता है कि बस काम चल रहा, भैया साल दो सालों से काम चल रहा है। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, वो गाड़ी आ रही है। अब पानी भरा क्यों है, इसका एक वजह ये है कि हम जब आगे जाएंगे तो ये रोड जो है वो मिलती, वहां सीवर है, लेकिन भैया वहां तक जाने के लिए इतने गड्ढे हैं ना कि पानी को भी सोचना पड़ रहा है, और हम तो फिलहाल गाड़ी में हैं। तो जब अब देखिए हम गाड़ी को यू टर्न इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम वहां जाने की स्थिति में नहीं है, और हमारी जो गाड़ी है ना वो हमें दे रही है धोखा, कह रही है बेटा तुम पीछे हो लो, नहीं तो मैं अगर बंद हुई ना तो कहीं के रह नहीं जाओगे, ना घर के ना घाट के। और हम फिर से दोबारा जा रहे हैं, अभी हम आगे लाइव ही रहेंगे और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं हूँ अमरीश सिंह, पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन ये इसीलिए मैं पत्रकार हूँ इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाकई हकीकत है क्या। गड्ढे इस तरह से खोदे गए हैं बरसात में, जब गड्ढों को नहीं खोदना चाहिए था क्योंकि इंसान को आने में कितनी परेशानी होती है। एक आम घर की जब महिलाएं किसी भी काम से निकलना पड़ सकता है, पुरुषों को या बुजुर्गों को किसी भी काम से, बच्चों को निकलना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में कौन निकल पाएगा। सामने पानी आप देख सकते हैं, कौन निकल पाएगा इस पानी से, आप खुद देखिए, जहां पे कारें भी शायद फंस जाए। ये तो भला हो हमारे जिलाधिकारी साहब का जिन्होंने दो दिन के लिए बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। ये बरसात आप देख सकते हैं, आप स्थिति देखिए, और सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि जो गड्ढों की खुदाई हुई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है। इन तरीकों से हुई है कि लोग फंस जा रहे हैं, बाइक कहीं भी फंस सकती है। तो भैया थोड़ा सा प्रशासन से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्मार्ट सिटी है हमारा शहर, स्मार्ट सिटी बनाइए, हमें स्मार्ट बनाइए, हमें खुद भी स्मार्ट होना होगा और हम स्मार्ट होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कृपा करके चीजों को बेहतर बना दीजिए क्योंकि बद से बदतर होने से अच्छा है कि चीजें सुधर जाएं। ये आगे की स्थिति देख लीजिए, ये गड्ढा, मैं गड्ढा दिखाता हूँ आपको, मैं गड्ढा दिखाता हूँ जो कि इस दौरान BSNL या किसी भी कंपनी ने किया हुआ है। ये गड्ढा आप देख सकते हैं सामने, और देखिए ऐसी जगह पर ये गड्ढा है कि कोई भी गिर पड़े। ये गड्ढा आप देखिए, और एक गड्ढा मैं और दिखाता हूँ आपको कॉर्नर पे जहां पे कल कार भी फंसी थी। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं भैया, हम तो दूर से ही नमस्कार कर ले रहे हैं इन रास्तों को, क्योंकि इन रास्तों पे जाने से बढ़िया है कि हम अपने गंतव्य की ओर ऐसे रास्ते से जाएं जहां पे हम फंसे ना, क्योंकि मरण तो हमारी ही होगी, फंसेंगे हम, और इतने समय कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी हमें निकालने नहीं आएगा। तो भाई चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन चमत्कार ऐसा करिए कि जो अच्छा हो, जो अच्छा लगे, जिन रास्तों से निकल सके। फिलहाल हम अपने ऑफिस पे आ गए हैं और यहाँ पे भी स्थिति वही है, उतरने के लिए सोचना तो पड़ेगा लेकिन उतरना तो है ही। तो दीजिए हम लोगों को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका दोस्त अम्बरीश, आपसे फिर मिलूंगा थोड़ी ही देर में।